मंच से नए सीएम की तारीफ करते करते पूर्व सीएम शिवराज और खुद की भी किरकिरी करा बैठे पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन पर्चा भरवाने आज 24 अक्टूबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तमाम बड़े नेता विजयपुर आए हुए थे। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए मंच भी सजाया गया था। मंच पर अपने भाषण के दौरान सीताराम आदिवासी नए सीएम मोहन यादव की तारीफ में इतने मगन हो गई कि वह अपने कार्यकाल और अपने खास कहे जाने वाले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक की किरकिरी करा बैठे। वायु के मंच से सीताराम आदिवासी ने यह भाषण दिया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इसलिए बार बार यहां आ रहे हैं क्योंकि विजयपुर में आज दिनांक तक कोई विकास काम नहीं हुआ, लेकिन अब मुख्यमंत्री यहां पर पूरा विकास करवाएंगे, अब यहां खूब तरक्की होगी। ये सब कहते समय श्री सीताराम ये भूल गए कि वह खुद भी विजयपुर विधानसभा में 5 साल तक विधायक रह चुके हैं और पूर्व सीएम शिवराज प्रदेश के 15 साल बतौर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या तब से लेकर अब तक कोई विकास की गंगा विजयपुर विधानसभा में नहीं बहाई गई थी? जो अब राम निवास रावत के बीजेपी में शामिल हो जाने और सीएम की कुर्सी पर डॉक्टर मोहन यादव के बैठने से बहेगी। भले ये सब तारीफ पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने नए मुख्यमंत्री के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहे हो या उन्हें जो भी अभी हाल ही में राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है उस एहसान के बदले कहे हो, मगर अब ये सियासी चर्चा बन गई है और उनका ये बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये सरकार ऐसी है, गंगा पे आ गई, हमारा मुख्यमंत्री बार बार आ रहा है। क्यों आ रहा है कि विजयपुर में कोई काम ही नहीं हुआ आज दिन तक, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी काम नहीं हुआ और इतना काम होगा कि कोई हद नहीं। मेरा सातों बरादरी से कहना कि भारतीय जनता पार्टी में वोट देना है यहाँ पे और पेट रामनिवास रावत है जिताना है और कोई भेदभाव नहीं करना। क्यों 3.5 साल में इतना काम हो गया, अगर रामनिवास नहीं जितायो तो 1 रुपया को काम नहीं होगा भाइयों। क्यों